आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, दोनों की जयंती थी और इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में जज्बा दौड़ का आयोजन किया समर्पित युवा संगठन ने, जो पिछले 7 वर्षों से इस जज्बा दौड़ का आयोजन करती आ रही है। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और परम धाम के गुरुजी श्री चंद्रमोहन जी दोनों लोग मुख्य अतिथि के रूप में और अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने एक 131 फीट ऊंचे तिरंगे को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में फहराया। साथ ही 10,000 के लगभग छात्र छात्राओं को दौड़ने का मौका इसलिए दिया ताकि उनके रक्त में शहीदों का जो खून है वो पसीने के रूप में याद आ जाए कि हमारे देश के शहीदों ने कितनी कुर्बानी इस देश को आजाद कराने के लिए दी। इस शुभ अवसर पे मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव वालियान जी और सभी 6 विधायक उपस्थित रहे, सभी पार्टियों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, एंटी करप्शन सारे क्लब्स, उद्योगपति, व्यापारी, स्कूल, कॉलेजेस, शासन प्रशासन, मीडिया आदि के साथ साथ महिलाओं का बहुत मजबूत सहयोग रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरनगर बहुत तेजी से जिस तरीके से लोहे में, पेपर मिल में और शुगर इंडस्ट्री में तरक्की कर रहा है, ठीक उसी तरीके से देश को मजबूत अस्तित्व देते हुए देते भारत को विश्व महाशक्ति बनाने में जज्बा के माध्यम से, समर्पित युवा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आने वाले भाइयों को, बहनों को, किसानों को, व्यापारियों को, छात्र छात्राओं को मेरी ओर से, समर्पित युवा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।